मॉर्निंग क्लास, आज हम ईवीएस का लेसन नंबर 19 रीड करेंगे। इसका नाम है द अर्थ एंड द स्काई। अर्थ मतलब धरती, स्काई मतलब आसमान। इस लेसन में हम अर्थ और स्काई के बारे में पढ़ेंगे। पहला है द अर्थ। वी आर लिव ऑन द अर्थ। हम सब किस पर रहते हैं? धरती पर। द अर्थ इज द होम ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जो धरती है वो सबका घर है। किनका? लिविंग बींग्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट। इनको इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। द सरफेस ऑफ अर्थ हैज़ टू पार्ट्स, द लैंड एंड द वाटर। द जो अर्थ की सरफेस है उसके दो पार्ट है। कौन सा? एक है लैंड और एक है वाटर। द पार्ट कवर्ड बाय वाटर इज मच लार्जर देन द लैंड। जो धरती का पार्ट जो है पानी ने जो घेरा हुआ है वो जमीन से लैंड से ज़्यादा पकड़ा हुआ है। द सरफेस ऑफ द लैंड इज नॉट सेम एवरीवेयर। जो लैंड का जो पार्ट सरफेस है वो हर जगह सेम नहीं है। देयर आर हाई माउंटेन्स। कहीं पर हाई माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट है, सीज हैं, ओशंस हैं लैंड पर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर। जो अर्थ है उसको किससे सराउंड किया हुआ है? लेयर्स ऑफ एयर से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एटमोसफेयर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एटमोसफेयर। द अर्थ इज़ ए प्लैनेट। जो अर्थ है एक प्लैनेट है। इट इज़ वन ऑफ द एट प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अवर सोलर सिस्टम। ये हमारा एट्थ प्लैनेट है जो कि सन के आसपास घूमता है सोलर सिस्टम में। ये हमारा एट्थ प्लैनेट है। ऑल दीज प्लैनेट्स मूव इन डेफिनेट पाथ लाइक ऑर्बिट्स। जो ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो एक ही लाइन में जाते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ ऑन इट। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर सिर्फ एक जिंदगी है। द अर्थ इज़ राउंड। जो अर्थ है वो गोल है। इट शेप लाइक एन ऑरेंज। और इसकी शेप कैसी है? ऑरेंज की तरह। इट इज़ स्लाइटली फ्लैट। ये थोड़ा सा फ्लैट है। एंड द पोल्स आर ब्लबिंग इन द मिडल। और पोल्स जो हैं वो थोड़ा ब्लबी सी आए बीच में। बट वाई डज़ इट लुक फ्लैट। लेकिन ये फ्लैट क्यों लगता है? द अर्थ लुक्स फ्लैट बिकॉज इट इज़ वेरी बिग। इसलिए फ्लैट लगता है क्योंकि ये बहुत बड़ी है। इट लुक्स अराउंड वेन वी सीन फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। ये इस दूर से अगर हम इसे हाइट पे देखें तभी ये हमें बड़ा लगता है। वी कैन सी ओनली ए लिटल पार्ट ऑफ इट एट ए टाइम। एक टाइम पे हमें एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट दिखता है। द लिटल पार्ट लुक्स फ्लैट। और जो छोटा पार्ट जो है वो हमें कैसा लगता है? फ्लैट। The fact that the earth is round can also be verified by following example. जो अर्थ की फैक्ट्स जो हैं वो हमें कुछ एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा। वॉच ए शिप सेलिंग अवे फ्रॉम द शोर सो ऑब्जर्व द लोअर पार्ट ऑफ द शिप डिसअपीयर्स। जब हम एक राउंड शेप से जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में देखो, जब हम यहाँ से इधर देख रहे हैं एक सेलर जब जा रहा है, जब ये आहिस्ता 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 इधर पहुँचेगा तो हमें एक टाइम पे ये क्या दिखेगा? डिसअपीयर। ये यहाँ पे आकर गुम हो जाएगा। फर्स्ट फ्रॉम द साइड देन द मिडल इन द लास्ट द टॉप डिसअपीयर्स। जो हम टॉप पे जाके इसको हम देखेंगे थोड़ा पास में आके, ये थोड़ा इधर नीचे जाके ये डिसअपीयर हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज द शिप इज़ सेलिंग अराउंड द सरफेस। और जो शिप ये इस वजह से क्योंकि जो शिप जो है वो एक गोल सरफेस पे चल रही है। द अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी। जो अर्थ जो है वो एक स्टेशनरी नहीं है। इट मूव्स अराउंड द सन। ये रुकी हुई नहीं है, ये सन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। इट टेक्स अबाउट 365 वन बाय फोर डेज टू कम्प्लीट इट्स ऑन रिलेशन। इसको 365 दिन लगते हैं पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सन। द सन इज़ ए बिग बॉल ऑफ बर्निंग गैस। सन जो है ये एक बहुत बड़ी बॉल है जिसमें अलग अलग तरह की गैसेज जो हैं वो जलती हैं। इट इज़ ए बिग स्टार। ये एक बहुत बड़ा स्टार है। इट हैज़ इट्स ऑन लाइट विद रिफ्लेक्ट्स ऑन द प्लैनेट विच रिवॉल्विंग अराउंड इट। इसकी अपनी लाइट है जो कि अर्थ जो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमती है। द सन इज स्टेशनरी। जो सन जो है वो एक स्टेशनरी है। द सन इज़ मैनी। सन जो है स्टेशनरी, जो एक ही जगह पे टिकी रहती है। क्योंकि सन जो है वो एक जगह पे टिकता है और जो अर्थ है वो रिवॉल्विंग, वो स्टेशनरी नहीं है, वो घूमता रहता है। इसलिए जो हमें सन, जैसे पहले सुबह सन आता है, फिर शाम को, फिर रात को क्या आता है? चांद आ जाता है। उस वजह से हमें हमारी अर्थ जो है वो घूमती है। इस वजह से हमें लगता है दिन जो
चढ़ता ढलता रहता है। द सन इज़ मैनी टाइम्स बिगर देन द जो सन है वो बहुत टाइम ज़्यादा बड़ा है अर्थ से। इट अपेयर सो स्मॉल बिकॉज इट वेरी फार अवे फ्रॉम अस, ये हमें बहुत छोटा लगता है क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। द सन इज़ नेसेसरी फॉर अस, जो सन है वो हमारे सबके लिए बहुत ज़रूरी है। वी गेट बोथ हीट एंड लाइट फ्रॉम इट, हमें बहुत हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है सन से। ड्यूरिंग विंटर एवरी वन लाइक्स टू सिट इन सन एंड इन्जॉय द वार्म्थ, सभी को सर्दियों में सन में बैठना बहुत अच्छा लगता है। इससे हमें क्या मिलती है, वार्म्थ, गर्मी सी मिलती है। द सनलाइट एंड हीट आल्सो नेसेसरी फॉर प्लांट्स, सनलाइट और सनलाइट की जो हीट है वो बहुत ज़रूरी होती है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्लांट्स जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना तैयार करते हैं। द हीट कीप्स द अर्थ वार्म इनफ टू लिव एंड ग्रो, जो हीट है अर्थ की, जो इसकी सन की हीट है वो अर्थ एब्जॉर्व करता है और वहाँ पे जो लोगों को जीने में उनकी मदद करता है। इट इज़ वाई द सन इज़ नोन एज द लाइफ गिवर, इसलिए सन को हम क्या बोलते हैं, लाइफ गिवर टू ऑल द लिविंग बींग्स, हर जो जीने वाले जो इंसान है उन सब के लिए क्या क्या बोला जाता है, सन एक लाइफ गिवर है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मून, द मून, एट नाइट वी कैन सी स्टार एंड द मून, नाइट को हम क्या देखते हैं, सन स्टार देखते हैं और मून देखते हैं। लाइक द अर्थ द मून ऑल्सो गेट्स इट्स लाइट, रात को क्या होता है, जो मून जो है अपनी लाइट जो है वो लेता है, जो मून है वो सन से लाइट लेता है। द लाइट कमिंग फ्रॉम मून इज कॉल्ड मून लाइट, जो फिर जो हमें मून से लाइट जो मिलती है हम उसको क्या बोलते हैं, मून लाइट। द मून इज मच स्मॉलर इन साइज दैन द अर्थ, जो मून है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा छोटा है। इट इज़ राउंड इन शेप, ये राउंड शेप में है एंड राउंड इन शेप एंड रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और ये किसके अर्थ के आगे पीछे घूमता है। इट इज़ ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और ये क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। इट टेक्स 29 डेज टू कम्प्लीट वन राउंड ऑफ द अर्थ, इसको पूरे 29 डेज लगते हैं अपने अर्थ के पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। द मून डज नॉट अपेयर टू बी सेम ऑन ईच डे, जो मून जो है वो पूरा एक जैसा नहीं दिखता है हर दिन। इट शेप कीप्स ऑन चेंजिंग, और इसकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है। फ्रॉम द अर्थ वी ओनली सी द पार्ट ऑफ द मून दैट इज फेसिंग द सन एट दैट टाइम, और हमें उतनी ही इसकी शेप दिखती है जितनी शेप इसकी सन के सामने आ जाती है, जितनी ये लाइट सन से लेता है उतनी ही शेप हमें दिखाई देती है। ड्यू टू चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ बोथ द अर्थ एंड मून वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून, जब ये पोजिशन अपनी चेंज करता है अर्थ से मून में तो हमें इसकी अलग अलग हर दिन जो अलग अलग शेप जो है मून की दिखाई देती है। देयर आर कॉल्ड फेसिस ऑफ मून, इसको हम क्या बोलते हैं, फेसिस ऑफ मून। ये देखो यहाँ पर आपको मून की फेसेस बताए हैं, जब ऐसा वाला मून की शेप आती है उसको हम बोलते हैं क्रिसेंट मून, जब हाफ मून शेप आती है उसको हम बोलते हैं हाफ मून, जब फुल आता है पूरी लाइट आती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, फुल मून। फिर से क्या आ जाता है, इसका हाफ मून आ जाता है, पहले इस साइड से लाइट आती है फिर इसकी लाइट इस साइड चली जाती है, फिर वैसे ही क्रिसेंट मून, ठीक है। द डे वी सी द फुल मून इज कॉल्ड पूर्णिमा, जिस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। द डे व्हेन द मून इज नॉट विजिबल, जिस दिन मून हमें नहीं दिखाई देता उसको हम उस दिन क्या बोलते हैं, हम अमावस्या। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कल हम आगे का लेसन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।